नागपूर उपसंचालक शिक्षण विभाग नागपूर येथील कनिष्ठ लिपिक सुनील मनोहर ढोले यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून करोडो अब्ज रुपयांची माया जमवली आहे असा आरोप करीत अर्जदार अशोक देवेंद्र बांगरे यांनी पत्र परिषदेत माहिती दिली. चला तर बघूया. मेरा नाम अनिल चौहान है. ये प्रेस लेने का मुख्य कारण ये है कि एक साधारण क्लर्क सुनील मनोहर ढोले ये अपनी एक शिक्षण संस्था के माध्यम से नागपुर जिला और नागपुर शहर के अंदर में करीब 7-8 स्कूल इन्होंने बनाई है जिसका संचालन इनकी पत्नी करती हैं और उस स्कूल में करोड़ों रुपए का स्कूल उन्होंने बनाया है. ये कहाँ से बनाया, कैसे बनाया, इनका चैनल क्या है, उप संचालक से लेके मुंबई से लेके किन किन अधिकारी इनके साथ में जुड़े हुए हैं इस बड़े घोटाले में. ये लगभग 100 करोड़ के ऊपर का हमें भ्रष्टाचार लगता है और इसमें बहुत सारे सरकारी अधिकारी इन्वॉल्व हैं और एक साधारण व्यक्ति जो शिक्षा क्षेत्र में क्लर्क है उसके पास में 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति कहाँ से आई, इसकी जांच के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है. और जो स्कूलें हैं उसमें जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो नियुक्तियाँ कहीं ना कहीं वो भी उसमें घोटाले हुए हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए. 12 से 15 लोगों के नाम हमारे पास में है जो हमने दिया हुआ है, उन लोगों की नियुक्तियाँ भी बोगस हुई हैं और सरकारी नियमों के आधार पे जो काम होना चाहिए वो सुनील ढोले नहीं कर रहे हैं और ये अपने पद का दुरुपयोग करके अपनी संस्था, अपनी पत्नी के नाम चलाई गई संस्था के माध्यम से करोड़ों रुपए का इन्होंने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया, ये ऐसा आरोप है.